नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक 12 रुपये के पेनी स्टॉक्स के बारे में, जो देखते ही देखते यहां पर निवेशकों की लॉटरी लगा रहा है। और जेनित स्टील प्राइवेट लिमिटेड की आज हम बात करेंगे। 85 पैसे से इसने जो है 12 रुपये का सफ़र किस प्रकार से तय किया है, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। और पिछले एक महीनों से देखें तो लगातार जो है तकरीबन 4.76% का अपर सर्किट लगता हुआ इस स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। और अभी ये स्टॉक जो है आपको 12 रुपये 10 पैसे के भाव पे मिल रहा है। और आज भी जो है जेनित स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आज 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। और इस साल देखें, यानी 1 जनवरी 2022 से 9 जून 2022 तक देखें तो 830% का रिटर्न इस स्टॉक्स ने दिया है। तो एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है जेनित स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने। 21 अगस्त 2020 को इसका भाव था मात्र 85 पैसे, और 85 पैसे से इस स्टॉक ने 15 रुपये की दूरी तय कर चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना एक मल्टीफोल्ड रिटर्न इस कंपनी ने यहाँ पर दिया है। तो एक बम्पर यहाँ पर चांस है पार्टिसिपेट करने का। तो जिन लोगों ने भी निचले स्तर पर खरीद के रखे हैं उनके लिए वेल एंड गुड। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जेनित स्टील प्राइवेट लिमिटेड को किन किन लोगों ने खरीदा है, यदि खरीदा है तो कितने प्राइस पे खरीदा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो ये तेज़ी अभी जेनित स्टील प्राइवेट लिमिटेड में देखने को मिली है, इसके पीछे के फंडामेंटल को जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में कि देखते ही देखते 1200% का रिटर्न इस कंपनी ने बना दिया। तो जेनित स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड का जो बिजनेस है, बेसिक रूप से मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ERW एंड सा पाइप, जो ERW और सा पाइप होती है उसको जो है जेनित स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड जो है सेल करती है। 154 करोड़ रुपये इसका मार्केट कैप है, तो एक बेहद रिस्की कंपनी है। तो यदि आप इस स्टॉक्स में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो उतना ही निवेश कीजिए जितना कि आप सहन कर सकें, क्योंकि पेनी स्टॉक्स का कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से इसके फंडामेंटल सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 4 सालों से, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये डेप्थ फ्री भी हो जाए। 2019 में 184 करोड़ का सेल्स हुआ था, 2020 में 101 करोड़, फिर 2021 में कमबैक किया 78 करोड़ का नेट सेल्स, और 2022 में 163 करोड़ का नेट सेल्स जेनित स्टॉक ने दिया। लेकिन वही प्रॉफिट की बात करें तो जहां 2019 में 120 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था, वो लॉस कम होकर 2020 में 28 करोड़ हो गया, और फिर 2021 में हाफ हो गया यानी कि 14 करोड़ का नेट लॉस, और 2022 में एक बार फिर से कंपनी ने जो है एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया, 12 करोड़ रुपये का जो है इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और यही कारण है कि इस प्रॉफिट के चलते स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, 15.64% के करीब में प्रमोटर्स की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 0.29% का स्टेक है, पब्लिक के पास 84.07% का स्टेक जो है इस स्टॉक्स में है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग कहते हैं दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।